हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए या एक्सपोर्ट क्लाइंट चाहिए तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप विदाउट सेल्स टीम को रख के अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया या हो सकता है तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अपने बिजनेस को फैला सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी चीज के वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसमें भी बिल्कुल सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट यूज होता है। दो तरीके होते हैं जनरली डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी या एक्सपोर्ट क्लाइंट फाइंड आउट करने का। एक्चुअली एक्सपोर्ट मैं नहीं करता लेकिन फिर भी वही जनरली वे उस पर भी एप्लीकेबल होगा। मैं ऑल ओवर इंडिया अपने बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता हूँ तो मेरे को इस चीज का आइडिया है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब मेरा डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा तब मैं एक्सपोर्ट के बारे में भी सेम चीज को ही एप्लीकेबल करूंगा। तो मेरे को लगता है कि वो एक्सपोर्ट क्लाइंट ढूंढने में भी मेरे को उसी तरह काफी मदद करेगी जिस तरह डोमेस्टिक में बिजनेस ढूंढने के लिए करती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कहा है कि सिंपल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, फंडामेंटल्स हमेशा ही सेम रहते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एप्लीकेबल होते हैं वही फ्रेंचाइजी के लिए होते हैं और वही एक्सपोर्ट क्लाइंट के लिए होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, या तो आप उनको सर्च करो या वो आपको सर्च करे, दो ही तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी या एक्सपोर्ट क्लाइंट फाइंड आउट करने के, या तो आप उनको सर्च करो या वो आपको सर्च करे। तो अगर अगर पहले रास्ते की बात करते हैं, फर्स्ट वे की बात करते हैं, तो अगर आपके पास डाटा है जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, मेडिकल रेप्स का है, एरिया सेल्स मैनेजर का है, या किसी का भी है, और चाहे वो फार्मा में है, कॉस्मेटिक्स में है, या फिर आयुर्वेदिक में, या किसी भी इंडस्ट्री में है, क्योंकि बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट तो हर इंडस्ट्री में सेम ही रहेंगे, तो उनका आपके पास डाटा है तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर कंट्री में, जहां पे भी आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर या दूसरे क्लाइंट चाहिए तो आप उनसे जाके मिल सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो, अपना प्रपोजल उनके साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा जितने बिजनेस एक्सपो होते हैं, अगर आपको नॉलेज है कि वहां पे जो आपका प्रोस्पेक्ट है या जो फ्यूचर कस्टमर है वहां पे विजिट करता है, तो वहां पे आप अपनी कंपनी को शोकेस कर सकते हो, एग्जिबिट कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, तो आप उन तक पहुंच रहे हैं। और अगर हम सेकंड वे की बात करते हैं, दूसरे रास्ते की बात करते हैं, कि वो आपको फाइंड आउट करे, ये मेरा फेवरेट वन रहता है हमेशा ही और मैं बेसिकली इसी पे काम करता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा ये नॉलेज लेने की जरूरत है, ये स्टडी करने की जरूरत है कि आपका जो कस्टमर बेस है, चाहे वो डॉक्टर्स है, मेडिकल रैप है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो कहाँ पे ज्यादा बिजी रहता है या किस प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज करता है। वो टीवी को यूज करता है, न्यूज़पेपर्स को यूज करता है, रेडियो को यूज करता है, गूगल को यूज करता है, यूट्यूब को यूज करता है, इंस्टाग्राम को यूज करता है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करता है। पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में ये स्टडी करने की जरूरत होती है कि वो किस चीज को यूज करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको वहां पे अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, चाहे आप उसको पेड वे से करें, चाहे आप उसको फ्री वे से करें, तो आपको वहां पे विजिबिलिटी बढ़ानी है ताकि जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपनी ढूंढ रहे हैं, फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी ढूंढ रहे हैं, या अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए किसी एक्सपोर्टर को ढूंढ रहे हैं, तो वो जैसे ही उन प्लेटफॉर्म को यूज करे तो आपका वहां पे विजिबिलिटी हो, उनको आप दिख जाए, या अगर गूगल पे वो सर्च करना चाहते हैं, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आप उसके फर्स्ट पेज पे दिख जाओ, या आपकी एड उन कीवर्ड्स पे उनको पहले मिल जाए, यूट्यूब वो देख रहे हैं तो वहां पे एड मिल जाए, या किसी क्वेरी से रिलेटेड वो सर्च करते हैं तो आपकी कंपनी का नाम उन तक पहुंच जाए, या इसी तरह आप फेसबुक को यूज कर सकते हो, फेसबुक एड का यूज कर सकते हो, फेसबुक पे बिजनेस पेज बना सकते हो, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो, उसकी बिजनेस प्रोफाइल यूज कर सकते हो। बेसिकली जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जो फंडे है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देना है, अपनी जो कम्युनिटी है उनको नॉलेज देनी है। तो जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल से, वो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा उस पर मेहनत करने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के नए नए तरीके सीखने की जरूरत है, चाहे आप उसको पेड फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप उसको फ्री फॉर्म में कर रहे हैं, बस आपको दूसरों तक अपने आप को पहुंचाने के लिए अपनी विजिबिलिटी बनानी है, उस पर काम करना है आपको। इसको आप जितनी अच्छी तरह कर पाओगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप उतने ही इजी तौर पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, एक्सपोर्ट क्लाइंट पा सकते हो और उतनी ही जल्दी अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।